law of gravitation using vector slash vector notation. Law of gravitation using vector slash vector notation. It's a draw color diagram. दो पार्टिकल है ऑफ मास m1 m2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है r. तो पहले मैग्नीट्यूड लिखते हैं f इक्वल टू कैपिटल g m1 m2 बाय r स्क्वायर. ये हो गया. तो हम लोग चाहते हैं इसमें वेक्टर इन्वॉल्व करना. तुमको मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इसका पता है बट यू वांट वेक्टर नोटेशन. तो किसी भी स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? राइट मार्जिन में एक क्वेश्चन लिखो. तुम एक क्वेश्चन लिखो, हाउ टू कन्वर्ट अ स्केलर इनटू वेक्टर. हाउ टू कन्वर्ट स्केलर इनटू वेक्टर. वो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो क्या आंसर होगा? सबसे आसान तरीका क्या होगा स्केलर को वेक्टर में कन्वर्ट करने का? मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर. जैसे टू एक नंबर है, टू स्केलर है, उसको तुम वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहते हो. अगर टू को आई कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? वेक्टर हो गया. किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस. जे कैप से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया? वेक्टर हो गया. किसके लॉन्ग? वाई एक्सिस. के कैप से मल्टीप्लाई कर दिया क्या हो गया? वेक्टर हो गया. तो सबसे आसान तरीका है. यहाँ पे बिजली सोच के देखो, इस ये तो फोर्स तो अपने आप में वेक्टर है. क्या कैपिटल जी वेक्टर है? नहीं है. क्या मास वेक्टर है? लेकिन ये जो आर है, कुछ याद आता है? पोजीशन वेक्टर. आर तो वेक्टर हो सकता है. तो सिंपली कुछ ऐसा हम लोग सोच सकते हैं, इस तरफ अगर हम एरो प्लेस कर दें तो यहां पे आर कैप आएगा. किससे मल्टीप्लाई कर दिए? कौन एक वेक्टर हो सकता है राइट साइड में? आर. तो आर से मल्टीप्लाई करोगे आर कैप से? आर कैप डू दैट. तो क्या दिखने लगा किस फॉर्म में? ये वेक्टर यूजिंग वेक्टर. Now, क्यों हम लोग R को ही चूज किए? बिकॉज बाकी कोई टर्म यहां वेक्टर नहीं हो सकता है. और भी बहुत सारा तरीका है, मैथमेटिकल रीजन भी है, बट वी विल नॉट गोइंग टू डिटेल ऑफ दैट. तुम इस तरह से इसको समझ सकते हो कि G वेक्टर नहीं है, मास वेक्टर नहीं है, लेकिन R वेक्टर हो सकता है. Now, इस R कैप की जगह देखो तो ऐसा कुछ हो सकता था. आई एम राइटिंग इट डायरेक्टली. कैसे हुआ ये समझ में आता है? चेक करो जरा. क्यों लिख सकते हैं? आर कैप किसके बराबर होता है? वेक्टर आर बाय इट्स मैग्नीट्यूड. सो इफ यू हैव एनी डिफिकल्टी यहां बगल में लिख लो, आर कैप इज इक्वल टू आर बाय आर. आर कैप इज इक्वल टू आर बाय आर. ये हो गया. अब इस r वेक्टर को यहां कैसे शो करें डायग्राम में, ये एक इशू है. जब भी r वेक्टर है तो ये ध्यान रखना कि इसको इस तरह से देखेंगे जो टॉर्क में भी बताए थे. हेड कहां होगा इस r का और टेल कहां पे होगा? हेड एंड टेल ऑफ दिस r वेक्टर. इसके लिए सपोज तुम M2 को सेलेक्ट किए, ठीक है, तुम इस डायग्राम में शो कर दे रहे हैं एक वेक्टर. जस्ट नीचे तुम भी ऐसा शो कर लो, डिफरेंट कलर में शो कर दिए. ये वेक्टर R. तो हम लोग किस पे फोर्स निकाल रहे हैं?
We are finding force on what? On M1 or M2? M2. So keeping that thing in mind, now tell me, where is head of this R? On M2. Abhi kuch likha hua hai. On M2, where is tail? M1. What is M2? FBD mein tum kya word use karte ho? M2 word use karte ho ya selected body? So where is head? At selected body. Head is at selected particle. Jada precise hone ke liye, selected body or selected particle? Selected particle. Or at selected particle ho gaya. Aur tail kahan pe? Tail at, पहले बताओ वहां पे क्या दिख रहा है? M1. M1 यहां किसका रोल कर रहा है, प्ले कर रहा है? हम बार बार क्या बताएं, फोर्स किसके कारण होता है? फोर्स क्यों होता है? बिकॉज ऑफ एनवायरनमेंट. तो M1 किसका रोल प्ले कर रहा है? एनवायरनमेंट. तो क्या लिखोगे? टेल वेयर एट एनवायरनमेंट. टेल एट एनवायरनमेंट. ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो कॉज ऑफ फोर्स. टेल एट एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट का मतलब क्या हुआ? कॉज ऑफ फोर्स. फिर से क्लियर हो गया? फिर से बताओ, वेयर इज हेड? वेयर इज टेल? एट एनवायरनमेंट. नाउ जरा M2 पे फोर्स का डायरेक्शन चेक करो, किस तरफ है. कैसा फोर्स होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव? तो यहां पे अगर तुम फोर्स शो करते तो इस तरफ आता ना, लॉन्ग लाइन ज्वाइनिंग शो करो यहां फोर्स. ये F वेक्टर होता. Now tell me, this force vector and R vector, they are parallel or anti-parallel? Parallel कब होता है? जब कैसा force होता? Repulsive. ये कैसा force है? तो ये F और ये R same direction में तो नहीं है. किस direction में? Opposite direction के लिए vector notation में कोई sign use करते हैं? क्या साइन? तो इसमें यहां क्या साइन होना चाहिए? माइनस. तो ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या हो गया बताओ तो? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग व्हाट? वेक्टर. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग वेक्टर नोटेशन. लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूजिंग वेक्टर नोटेशन.